हेलो दोस्तों, तो देखिए अभी मैं सूट पहन ली हूँ और साड़ी खोल दी जैसे ही, तो मामा नानी मामी सबको सरप्राइज देने आ गया है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे मामा हैं और आप लोग को मिलाती हूँ। घर में बैठे हुए हैं मामी जी नानी जी, मुझे क्या पता कि ये लोग सरप्राइज देने आ गए। मैं साड़ी वाड़ी खोल दी हूँ, लेकिन देखिए आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए मेरी आंटी जी हैं तीसरी नंबर और यहाँ पे मामी जी हैं। सरप्राइज देना जरूरी था, मैं देखिए मैं कितना सिंपल हूँ। और यहाँ पे नानी जी हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए मामी जी क्या लेके आ गए हैं, इतना सारा बाजारी उठा के लाए हैं क्या? पूरा लग रहा है मार्केट ही खरीद के ला दिए हैं, मिठाई समोसा सब चीज। अनवी दोस्तों, मैं सोच ही रही थी कि समोसा मंगाया जाए शाम को, और देखिए मामी जी लेके आ ही गए। क्या मामी जी, मन का बात समझ गए थे? हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो ये देखिए सुबह सुबह मेरी बहन पैर कलर कर रही है, क्योंकि हम लोग को आज दोपहर में निकलना है, ट्रेन है चंडीगढ़ के लिए। और मेरी छोटी बहन है तो मेरा भी पैर कलर की, और यहाँ पे जूही है तो ये भी अभी देखिए मेरे से पहले ही भाग रही है। मैं बोली कि रुक जाओ मेरे बाद निकलना जाना, तो कह रही नहीं नहीं सुबह ही जाना है। तो हम लोग को मम्मी यहाँ पे नाश्ता दिए हैं खाने के लिए, और तो यहाँ पे पीहू को भी खिला रही है। पीहू क्या खा रही हो? और यहाँ पे बैठे हुए हैं देखिए, यहाँ पे दमार लोग। पीहू क्या कर रही हो? मौसी को जो चावल ले जाना था दादी जी तो चुन ही दिए हैं, तुम फिर से चुन रही है कि मौसी को एक भी कंकड़ ना मिले? दोस्तों ये देखिए, अच्छा तो नहीं लग रहा है, मेरी बहन जा रही है और थोड़ा ही एक ही दिन रही बस, निकलने भागने का लगा है बस अपना। जा रही है और यहाँ पे उसकी बिटिया रानी आ रही है। क्यों आ जाओ, हाँ देखिए ना कैसे, देखिए वो नीचे नीचे बैठ के अच्छा उतरेगी। और ये देखिए दोस्तों, जूही सुबह सुबह जाने की तैयारी कर रही है, और एक दिन पहले आई थी और आज सुबह ही निकल रही है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी थोड़ी देर में ऐसे ही जाऊंगी, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मायके से मेरी भी विदाई हो जाएगी। तो गाइज मेरा भी मायके से विदा लेने का समय आ गया है। अरे हम तो तैयार ही नहीं है रे बाप रे, ऐसे ही जा रहे हैं किसी तरह से लगे हुए हैं। का है नहीं लिए तो कम से कम ये तो कम से कम करी। दादी जी के नाम, ये लड़कियों के लिए बहुत ही टफ मोमेंट होता है मायके से विदाई। और जितना ही खुशी मायके आने में होती है ना, उतना ही दुख जाते समय भी होता है। दादी जी मत ले। लेनी है कमल पकड़, क्योंकि हमरा रूम में रोल आए थी तो टीवी के लगे। ये लॉन्स पकड़ो, आशीर्वाद है ठीक है। और वो कहाँ है? तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। परदेश हो।